हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज आप लोगों के लिए तुरंत बनाने वाला, 5 मिनट में बनाने वाला पनीर की सब्ज़ी लेके आई हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने का कोई मेरा ये नहीं था, लेकिन हम सोचे कि जी 5 मिनट में बनाने वाला सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी घर में जल्दीबाजी में बनाना पड़ जाता है। तो देखिए, हम गैस जला लिए हैं, पनीर को काट लिए हैं। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। खुद खाना है इसीलिए पनीर को मैं फ्राई नहीं करती, बस इसमें रोस्ट कर देती हूँ ताकि ज़्यादा तेल हमारे शरीर में नहीं जाए। पनीर को डाल देंगे, क्योंकि ये घर वाला पनीर है तो इस पनीर में से पानी निकल जाता है। बाहर का जो पनीर रहता है पूरा, मतलब बिना पानी के रहता है। देखिए, ये 3 प्याज है जिसको हम लोग काट लेंगे, और पनीर देखिए पानी छोड़ दिया है। इसको थोड़ा समय लगेगा होने में, रोस्ट होने में। तब तक प्याज काट लिए हैं हम लोग, लहसुन ले लिए हैं, 2 मिर्च ले लिए हैं, अदरक ले लिए हैं, मेथी पत्ता ले लिए हैं, तेज पत्ता और जीरा ले लिए हैं, और इधर मीट मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक सब ले लिए हैं। तो अब हम लोग इसको मिक्सी में पीस लेंगे। प्याज आधा ही डालेंगे, आधा प्याज रख देंगे फ़ौरन में। सारा कुछ डाल देंगे, अदरक वगैरह सब डाल देंगे। उसके बाद इसको हम लोग पहले पीस लेंगे मिक्सी जार में। पीसने के बाद पहले पीस लेंगे, और इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें प्याज है क्योंकि, तो खुद ही पानी छोड़ देता है, इसलिए हम लोग पानी नहीं डालेंगे। नहीं तो क्या होता ना, बाहर मेरे मिक्सी के जार से निकलने लगता है, तो इसलिए हम पानी डाल के नहीं पीसते हैं। अब पनीर को देखते हैं, लगता है पनीर अंदर से जल गया क्या। ओ गॉड, थोड़ा सा लग गया पनीर, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं लगा है, ख़राब नहीं लगेगा। अब सारा पनीर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। ये पनीर बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज इसके पापा बोले कि हमको जल्दी में कुछ काम है, कुछ लोग आ रहे हैं मेरे साथ, बना दो। तो जल्दी में बनाने वाला यही कर सकते हैं। फिर एक कटोरी में मसाला निकाल लिए हैं, और उस मसाला में थोड़ा पानी मिला दिए हैं, और अंदाजे से तेल डालें कढ़ाई में जितना डालना हो। हर औरत को पता होता है कि हमको कितने तेल में सब्ज़ी बनाना है, ज़्यादा में बनाना, ज़्यादा में, आपकी ये मर्ज़ी। फिर इसमें सारा मसाला डाल देंगे हम लोग पेस्ट वाले में। देखिए, डाल दिए मसाला, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये चीज़ करने से ना पा ग्रेवी बहुत अच्छा बनेगा। अब जीरा देंगे, फोरन देंगे इसमें, फिर प्याज डालेंगे अब हम लोग इसमें। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पनीर तो बहुत सब तरह से बनता है, पर ये 5 मिनट वाला पनीर हम बनाते हैं घर में हमेशा। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा खाने में। देखिए, ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर हम लोग, अच्छा इसमें धनिया का पत्ता लगता है, तो मेरे घर में धनिया पत्ता नहीं था, तो सुबह में हम चटनी बनाए थे, तो मेरे पास चटनी पड़ा था, तो उसके फ्रेग्रेंस के लिए हम 2 चम्मच इसमें डाल दिए ताकि उसका स्मेल आ जाए धनिया वाला। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्का लाल हो रहा है। अब इसमें हम लोग मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद चलाएंगे इसको, थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें ताकि कटोरी में जो मसाला लगा हुआ है अगल बगल में वो सारा इसमें डल जाए। फिर इसमें हम मसाला में डाल देंगे, और मसाला को अच्छे से भूंजेंगे ताकि ये पूरी तरीके से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए, मसाला भुजा गया लगभग। अब मेथी पत्ता इसमें डाल दिए हैं, अब पनीर डालेंगे हम लोग। देखिए, पूरे अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें ना 2 चम्मच हम दही डाल दिए थे क्रीमी होने के लिए। आप मलाई भी डाल सकते हैं, पर हम कुछ दिन पहले दही वाला बनाए थे तो अच्छा लगा था, इसलिए दही वाला ही बनाए। मलाई वाला भी अब बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पनीर डाल दिए हैं। अब पनीर और मसाला को थोड़ी देर एक दूसरे के साथ पकने देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से पनीर में मिल जाए। इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक चाय पीने का मन कर रहा था, चाय बन गया मेरा, हम चाय पी के आते हैं। और अब देखिए, पनीर बहुत अच्छे तरीके से ये एक दूसरे से मिल चुका है, मसाला भी भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमको तो चावल के साथ खाना था, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाले। आप लोग रोटी के साथ खाइएगा, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पर बाद में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सब्ज़ी बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये रहा फाइनल टच। ओके, बाय, थैंक यू।